ईश्वर जी बोले ईश्वर जी आए एक काम किला तो झूठ चुका लेकिन कहीं मेरा पिताजी को पता नहीं चलता जीत ये काम किला में झूठ चुका हूँ इस बच्चा चरण सिंह का कहीं पता नहीं चल रहा है जग लगता है मेरा पिता इस दुनिया संसार में नहीं है सकता है ये काम किला में धीरे धैर्य को रखो इंद्रजीत मेरा चाचा कुछ हो नहीं सकता इंद्रजीत Thank you.
राज मेरा का रहने वाला शानू सेठ मेरा नाम है। लेकिन राजकुमारी बाजार से मैं एक एक सामान खरीद करके लाता हूं और अपने राज में एक एक पास का बेचता हूं। लेकिन उसका कारण है महापाला जंगल महापा किला से चल करके राज मोरद किला आए था अपना घोड़ा किनने के लिए। जो मेरा दुकान हर खदेना लौट करके राज महाबा चल से उसके दर से मैंने पाथरी खिलाकर सिवा पर अपने छोटा मोटा दुकान चलाता हूं। लेकिन ऐसा समय आया जो मेरा पाथरी का राजा दंभा से साले को अरे भाला भोग करके कतरा ला देना। उस दिन से मारा समस्या चल चुका है। जब भी मैं कुनौली बाजार जाता हूं साले को एक एक बदला अरे पांच रुपए कैसे मारता है। मेरा खजाना लूटा था मैं चूका मार करके कुनौली बाजार को चढ़ा करता हूं। यहां से मैं चलता हूं कुनौली बाजार की ओर। अभी साले रुदन सिंह को दस चूका मार करके कुनौली बाजार चलता हूं। जो है आपने उधर सिंह को नाम लिया है क्या उधर सिंह इस राज में आ जाए भैया जी। और तो कैसे बात करते हो। और एक छोटा मोटर उधर सिंह आया था जो मेरा महाराज बंभा सिंह ने उससे भाला भोग करके कतरा लगा भैया से बातें करता हूँ। इस वक्त जो है कोई मुसाफिर है और उधर के भाग को नाम ले रहा है और वो बोल रहा था कि मेरा महाराज ने उधर के भाग को आसी सिवान को भाला मार करके उसे मार दिया है। भैया जी इंद्रजीत ये सिर्फ मुसाफिर ने बोल रहा है चाचा रुद्र सिंह और देवा रुद्र सिंह को अस्सी अस्सी मान का भाला मार देने की। हाँ भैया जी आप सब बातें कीजिए मैं साथ में खड़ी रहता हूँ। भैया जी जानते मैं उससे बात करता हूँ। इंद्रजीत भैया अरे बोल बोल महोदय आप रुद्र सिंह और देवा सिंह कहाँ देखा है। अरे जहाँ भी देखा वहाँ भी देखा लेकिन तू पूछने वाला कौन है मुझे सबसे पहले उसका तू काम लगता है मुझे बता। इसका राज मैं तुम्हें रुदर का पता दिखाऊंगा। देखिए भैया रुदर सिंह और देवा सिंह मेरे पिता को हत्यारा है उसने मेरे पिता को कातिल है आप बता दीजिए इस वक्त दोनों कहाँ है आया हूँ भैया।
कुड़ौली बाजार से सामान लाता हो आपने पथरी किला के जो महान बाप अपने कि रुदर दीवा को मशीनी भी लाद देख करके जाता और उसी लाद देख करके आता मेरा पिताजी का रुदर दीवा में हथियारा है मैं उससे बदला लेने के लिए तेरा भाई खिलास से निकला चलो मैं रुदन सर को दिखाता हूँ इतना ही नहीं मैं ने दस दस चूता अपने पांचे अब से मैं दिखाऊंगा मेरे साथ चलो चलो यहाँ से चलिए भैया जी मैं रुदन सिंह को दिखाता हूँ यहाँ से चलने का तैयारी करो चलिए भैया चलो अरे बालक बोलिए बनिए भैया यही है यही है कतरा धार में ये चंदी रुदन है और पुजरी वाला देवनंदन है दोनों का माने दस दस जूता लगाता हो अभी भी देखो आगे खोल करके दस जूता लगाने के लिए जा रहा हूं इस वक्त जो है शाम चल करके देखना चाहिए क्या मिला